जैसे कि पिछले कई दिनों से पीएफ के पासबुक वाली वेबसाइट चल नहीं रही है और कभी कभी चल भी रही है तो आपको अलग अलग टाइम पे अलग अलग एरर मैसेज देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच ईपीएफओ ने कुछ बड़े बदलाव भी किए थे जो कि अब ईपीएफओ ने वापस ले लिया है। हालांकि अगर कोई भी वेबसाइट पे एरर आता है ईपीएफओ को ये जानकारी मिलती है तो वो जल्द से जल्द ठीक भी हो जाती है। और जैसे कि काफी लोगों ने ग्रीवेंस के माध्यम से या फिर अपने अपने प्रतिक्रिया के माध्यम से ईपीएफओ तक ये बात पहुंचा दी है कि भैया जो वेबसाइट है पीएफ के पासबुक वाली वो बिल्कुल चल नहीं रही है और काफी मेंबर परेशान है और इसकी वजह से ईपीएफओ ने इसके बारे में जानकारी भी दी है। सारा कुछ हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ केवल और केवल इम्प्लॉई ही नहीं परेशान है, साथ में इम्प्लॉयर भी परेशान थे। उनकी भी वेबसाइट है वो नहीं चल रही थी, जो इम्प्लॉयर पोर्टल है ना वो भी नहीं चल रहा था। सभी का स्टेटस हम आज के इस नए वीडियो में अभी के टाइम के अनुसार देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पासबुक वाले पोर्टल की। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पासबुक का पोर्टल हमने पहले ही ओपन कर लिया है, अभी ओपन हो रहा था तो मैंने यहाँ पे रोका हुआ है। इसके बाद से मैं रेफ्रेश करके देखूंगा कि ये दोबारा से चालू होता है कि नहीं होता है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे ईपीएफओ ने एक बड़ा बदलाव किया था ना, जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था। यहाँ से कैप्चा एंटर करने का जो ऑप्शन है वो ईपीएफओ ने हटा दिया था, बिना कैप्चा के ही हम लॉगिन कर पा रहे थे बहुत ही आसानी से। लेकिन भैया ईपीएफओ ने दोबारा से इस कैप्चे को इधर ला दिया है, यानी कि अब कैप्चे का झंझट आपसे पीछा नहीं छुड़ाने वाला है, आपको यहाँ पे कैप्चा भरना ही पड़ेगा। अब अगर आपके पास आधा अधूरा कैप्चा आया है तो यहाँ से रेफ्रेश करेंगे और जो बढ़िया वाला कैप्चा आया है नया वाला वो आपको फिल करना है। तो चलिए पहले तो मैं यहाँ पे रेफ्रेश करके देखता हूँ कि यहाँ पासबुक वाला पोर्टल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, टाइम भी देखेंगे। तो बोलिए देखिए, एक बार में ये चालू हो गया है तो चलिए कोई डिटेल में यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे हमने डिटेल फिल कर लिया है और उसके बाद से यहाँ पे हमने कैप्चा भी एंटर कर लिया है। साइन इन करने से पहले मैं एक अपडेट यहाँ पे दिखाना चाहूंगा जो कि ईपीएफओ ने कहीं ना कहीं कर दिया है। अभी देखिए यहाँ पे सोशल मीडिया के हैंडल्स भी ऐड कर दिया है ईपीएफओ ने। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्विटर है या फिर आपका इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, सभी को ऐड कर दिया, सभी के लिंक को डायरेक्ट यहाँ से आप रीडायरेक्ट हो पाएंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ईपीएफओ के द्वारा यही अपडेट किया जा रहा है, इससे कोई ज्यादा अपडेट नहीं किया जाएगा। लेकिन ये आ चुका है फिर भी यहाँ पे लॉग इन करने में प्रॉब्लम आ रही है। मैं इससे पहले का मैं वीडियो जो शूट किया था ना वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इससे पहले के वीडियो में आप देख सकते हैं साफ साफ कहीं भी सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक नहीं ऐड किया हुआ था। तो कहीं ना कहीं ईपीएफओ आप तक अब बेटर सर्विस पहुंचाने के लिए यहाँ पे अपने लिंक को ऐड कर रहा है जो कि साइट में ऐड हो चुका है। अब देखिए मैं साइन इन कर लेता हूँ। साइन इन करने से पहले ही मैंने दिखा दिया कि भैया ये पता नहीं चलेगा ये वेबसाइट या नहीं चलेगी, खुलेगी या नहीं खुलेगी। तो देखिए यहाँ पे ये लॉग इन तो नहीं हो रहा है, सर्विस अनेबल का मैसेज आ चुका है। अब यहाँ पे रेफरेंस करेंगे दो तीन बार तो अभी भी एरर आएगा। तो देखिए फिलहाल में एरर आ चुका है। तो जैसा कि यहाँ पे हमने देखा है कि भैया करेंट सिचुएशन में अभी भी पासबुक का पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है। लेकिन ईपीएफओ का क्या कहना है इस मैटर पे, देखिए यहाँ पे ईपीएफओ ने पहले से ऑफिशियल पोर्टल पे बता दिया है। देखिए एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे नेटवर्क फेलियर बताया जा रहा है। इसका जो मेन रीजन है वो ईपीएफओ द्वारा बताया जा रहा है कि ये नेटवर्क फेलियर की वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है। आपका जो पासबुक का पोर्टल है, फैसिलिटी है, वो अभी अवेलेबल नहीं है और ये जल्द ही अवेलेबल हो जाएगा, शॉर्टली अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस लाइन को पढ़ने के बाद तो यही पता चल रहा है कि भैया ईपीएफओ के द्वारा कुछ नया अपडेट नहीं किया जा रहा है, ये केवल और केवल नेटवर्क फेलियर की वजह से ही ऐसा देखने को मिल रहा है। यानी कि जब ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा तो कुछ नया अपडेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब बस यही देखने को मिलेगा कि जो अभी हमने देखा है कि जो कैप्चा हटा दिया था ईपीएफओ ने, दोबारा से उसे वापस कर दिया है। अब उसके बाद से हम बात कर लेते हैं इम्प्लॉयर पोर्टल की। तो देखिए इम्प्लॉयर पोर्टल चल नहीं रहा था तो हम इम्प्लॉयर पोर्टल देख लेते हैं। इम्प्लॉयर पोर्टल बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है, अभी मैं करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है, इम्प्लॉयर पोर्टल ओपन होकर के आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं लॉगिन करके दिखा देता हूँ, काफी इम्प्लॉयर के भी कमेंट आए हुए थे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर कर लिया और उसके बाद साइन इन करेंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है, यानी कि अब अगर आपको इम्प्लॉयर से कुछ काम है तो आप बोल करके, रिक्वेस्ट करके या शाम के टाइम, इवनिंग के टाइम काम करवा सकते हैं। पूरा दिन तो इम्प्लॉयर परेशान थे वेबसाइट नहीं चलने की वजह से, और जिसकी वजह से आपके भी जो भी आप केवाईसी वगैरह करते हो या फिर जो भी करेक्शन रिक्वेस्ट आप करते हो, ऑनलाइन अप्रूवल करना होता है इम्प्लॉयर को। तो भैया जब वेबसाइट चलेगी तभी तो आपका
एम्प्लॉयर करेगा। तो अब आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एम्प्लॉयर को बता सकते हैं कि अभी इस टाइम वेबसाइट चल रही है बढ़िया से, वो भी चेक कर सकते हैं, अगर वो पॉसिबल है तो आपका जो काम है वो कर पाएंगे। अब हालांकि फ्रेंड्स अभी का जो टाइम है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर काफी लोगों के कमेंट रहते हैं सर टाइम भी बता दिया करो, तो आप लाइव प्रूफ देख सकते हैं कि क्या टाइम हो रहा है और क्या डेट है और फ्रेंड्स अभी के सिचुएशन क्या है। जैसे कि आज के इस छोटे से वीडियो में हमने कवर किया है कि अभी के समय में आपके पासबुक पोर्टल का क्या स्टेटस है, ईपीएफओ के द्वारा इसका रीजन क्या दिया गया है ये भी हमने देखा है। देखिए ये रीजन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल पढ़ लीजिए के करके, और उसके बाद से ये भी हमने जाना है कि भैया एम्प्लॉयर पोर्टल भी नहीं चल रहा था लेकिन एम्प्लॉयर पोर्टल अभी ठीक हो चुका है और वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है। आई होप इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिला होगा। अब आपकी क्या राय है, आप अपना बहुमूल्य राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, सभी लोगों के कमेंट मैं जरूर पढ़ता हूँ। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जबरदस्त बंदे आता।